वेलकम टू बैक माय चैनल राकेश ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ब्लॉग यानी एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल एंड बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आप सोच रहे हैं हाउ कैसे? देखिए अभी क्या होगा कि डीएसएलआर का जमाना आ गया मगर आप खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उसका कीमत बहुत ही ज्यादा है और आप अपना फोटोग्राफर को यानी आपका फोटो को डीएसएलआर का लुक देना चाहते हैं और आपका जो फोटो है उसमें आप ग्रो करना चाहते हैं तो और आप आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाला है कैसे करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर अलाउ कर लें क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ और आप लोगों के लिए मैं हर दूर का वीडियो डालते रहूंगा। तो चलिए बिना मत गवाए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आ गए हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपको बताया था कि कैसे आप अपने फोटो को जो फोटो का बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं वो भी दो मिनट में। तो जैसे इसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ओपन कर लेना होगा आपका एक ब्राउज़र, हम कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र ओपन। तो न्यू टैब के अंदर इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ओपन करना है गूगल। गूगल के बाद आपको लिखना है इसमें remove.bg। आपको लिखना है remove.bg, उसमें आपको क्लिक करना है। तो देखिए मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। आपको करना क्या है, इसमें जो बहुत सारा आपको लिंक दिखाएगा मगर आपको सिर्फ इसी लिंक में आपको क्लिक करना है। देखिए remove.bg ऊपर में दिखा रहा है www.remove.bg, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद देखिए हम इसमें क्लिक कर लिए और आपके मेरे जो ब्राउज़र है अभी रीडायरेक्टिंग कर रहा है एक दूसरे पेज में। अभी दिखा रहा है इसमें रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री, ये टोटली फ्री है इसलिए आपको कोई पे करना नहीं है। तो देखिए इस तरह से आने के बाद आपको दिखा रहा है एक अपलोड इमेज और ड्रॉप ए फाइल, आपको अपलोड इमेज करना है या ड्रॉप ए फाइल। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अपलोड में क्लिक करेंगे। जब हम अपलोड में क्लिक करेंगे ठीक है, मेरा फ़ोटो पीछा जा रहा है कि मुझे फ़ोटो दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके कंप्यूटर से मैं कोई फ़ोटो ले लूँगा। देखिए मैं अभी इसमें से कोई फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास फोटो है तो। देखिए मेरे पास कभी कोई फ़ोटो नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये वाला फ़ोटो है इसको मैं इसमें ले लूँगा। देखिए प्रिपेयरिंग अपलोडेड, यानी अभी जो फ़ोटो है वो अपलोडेड हो रहा है ठीक है। देखिए फोटो अपलोड होते ही आपको देखिए आपको लुकिंग एक साइड में दिखाएगा आपको जो पुराना वाला फोटो, एक साइड में देखिए आपका जो इसका जो बैकग्राउंड है ये टोटली रिमूव हो चुका है ठीक है ना, इसका टोटली रिमूव हो चुका है। तो देखिए अभी हम इसको रिमूव हो चुका है, अभी हम इसको बैकग्राउंड डालेंगे, इसका डिस्क डीएसएलआर का लुक देंगे। तो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको आप देख पाएंगे इसमें देखिए एक एडिट लिखा हुआ है, इसमें एडिट लिखा हुआ है। अगर आपको प्लेन वाला चाहिए तो आप इसे सिर्फ क्लिक करेंगे, आपको फोटो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको करना है सर डीएसएलआर का लुक, इसलिए हम आपको क्या करेंगे रिकमेंड करेंगे हम एडिट पे क्लिक करेंगे ठीक है। इसे हम एडिट पे जाएंगे, जब हम एडिट पे जाएंगे तब देखिए इसमें देखिए बहुत सारा नीचे फोटो दिखा रहा है, इस बहुत सारा फोटो दिखा रहा है कि हम कौन सा ले। तो देखिए जैसे हम ए वाला हो गया, ये जो बैकग्राउंड है हम इसको ले लिए ठीक है, थोड़ा इसमें रिडायरेक्टिंग होने में टाइम लगता है। देखिए अभी आ गया पीछे वाला ठीक है, आ गया है। अभी हम इसको अभी जो है ऑटोमेटिकली कोई ब्लर ब्लर कुछ नहीं है, इसको हम अभी डीएसएलआर का लुक देंगे। तो देखिए अभी हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए
पीछे वाला जो है वो अभी ब्लर हो रहा है, यानी जो डीएसएलआर का लुक है अपना, हम और ब्लर चाहिए तो हम साइड में क्लिक करेंगे, देखिए इसका और ब्लर हो जाएगा, और ब्लर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरा का पूरा डीएसएलआर का लुक मेरे फोटो में आ गया है, ठीक है। और इसमें आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पे करना नहीं है, आपको कुछ भी देना नहीं है, आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप कुछ भी अकाउंट डालिए, अगर आप चाहे आपका पास कोई पहले से कोई फोटो बैकग्राउंड खींचा हुआ है फोटो में, तो आप उसी को भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं जो आपको वही फोटो लगाना है, आप चाहे तो आप किसी भी फोटो को लगाइए, आपको लिए कोई फोर्स नहीं है कि हाँ इसी फोटो को लगाना है, अगर आपके पास कोई खींचा हुआ फोटो है तो आप उसी को लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर इसमें जो फोटो दिखा रहा है वही दिखा है आपको, जैसे इसमें है सिलेक्ट फोटो, आप किसी भी फोटो को लगाइए, हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसको फोटो के हम सिलेक्ट किए, देखिए बहुत दूसरा गया, अभी हम फोटो को सिलेक्ट किए फॉर एग्जांपल, हाँ उसी का जो फोटो है उसको उसी को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद देखिए आ गया, उसी का फोटो पीछे है लगा इसलिए ब्लर आ गया, वही फोटो हम फिर दूसरा लेते हैं, देखते हैं कि होता है या नहीं है, आपको उसे दिखाने के लिए, जैसे कि बहुत सारा फोटो है मेरा, हम इसको क्लिक ले लेते हैं, देखिए पूरा ब्लर आ गया, अभी हम आपको नॉर्मल देखिए जो फोटो हम सिलेक्ट किए वही आया, देखिए आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा डीएसएलआर का लुक आ गया। तो इसी तरह से करना है आपको डीएसएलआर लुक का फोटो। और अगर आपको सोचिए आपको पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है, जैसे आपको फोटोशॉप वगैरह में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको इस तरह इसमें भी ऐसा कुछ करना नहीं है। अगर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो जैसे कि इसमें फोटो लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे इसमें इसके साइड में एक कलर का फोटो कलर लिख के कुछ है कलर, इसमें से आपको बैकग्राउंड के पीछे में आप कलर देना चाहते हैं, तो चलिए उसको हम करके देखते हैं। तो हम कलर पे जाएंगे, देखिए ऐसे अवेलेबल कलर, जैसे हम पासपोर्ट साइज में ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी कलर, हाउ मैनी कलर, इधर बहुत कुछ कलर है, आप चाहे तो कुछ भी कलर लगाएं, आपका मर्जी। तो इसको होने के बाद जैसे मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो बन गया, ठीक है ना, ये मेरा भाई बन गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें इसमें देखिए डाउनलोड का लिंक दिखा रहा है, देखिए डाउनलोड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, करने के बाद प्रिपेयर इमेज फॉर डाउनलोड, बाद में हम इसको भी डाउनलोड इमेज भी करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक मेरा इसमें डाउनलोड हो चुका है, और हम इसमें शो फोल्डर करेंगे, और देखिए मेरा फोटो जो है वो इसमें आ गया है, देखिए एकदम पूरी तरह से बड़ी, आपको कोई इसमें जैसे कुछ कट गया हो ऐसा कुछ नहीं आएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया आएगा फोटो और बहुत ही क्लियरिटी आएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आपके दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के मेम्बर के साथ, किसी के भी साथ जो अपना फोटो को एक बहुत ही अच्छा सा लुक देना चाहता है और डीएसएलआर का लुक देना चाहता है और इजीली बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कॉमेंट्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल द आइकन, ओके बाय बाय।